तेजस्वी यादव पर केस दर्ज, मुकेश सहनी पर भी केस दर्ज। बिहार में महागठबंधन को लगा तगड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग जारी है, इसी बीच बिहार में महागठबंधन को एक तगड़ा झटका लगा है। झटका ये है कि बिहार के पूर्व सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों के ऊपर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल को रखी गई है, यानी कि दूसरे फेज की वोटिंग हो जाने के बाद दोनों के ऊपर दर्ज हुए केस पर सुनवाई की जाएगी। सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर क्या आरोप लगे हैं, साथ ही ये आरोप किसने लगाए हैं? क्या जेडीयू बीजेपी ने मिलकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को लपेटे में लिया है? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी पर जेडीयू बीजेपी ने नहीं बल्कि भारतीय सार्थक पार्टी के मुखिया सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर की जुडिशियल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। उनके शिकायत पर कोर्ट सहमत दिखी और केस दर्ज कर लिया गया है। ये केस सीधे तौर पर मुकेश सहनी के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव पर उनका साथ देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। भारतीय सार्थक पार्टी के मुखिया और वकील सुधीर कुमार ओझा ने दोनों पर उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भ्रम फैलाने के आरोप में केस दर्ज करवाया है। दरअसल भारतीय सार्थक पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नाव का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। यही चुनाव चिन्ह पहले मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का था। अब वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है। नाव वाले चुनाव चिन्ह को लेकर सुधीर ओझा ने सहनी पर आरोप लगाया है कि जब से उन्हें ये चुनाव चिन्ह मिला है, सहनी अलग अलग तरीकों से इसको लेकर लालच देते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सहनी उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग भी करने लगे हैं। साथ ही नाव सिंबल को लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की तरफ से लोगों में भ्रम फैलाने का काम भी किया जा रहा है। इन्हीं आरोपों के साथ वो मुजफ्फरपुर की जुडिशियल कोर्ट पहुंचे थे और शिकायत दर्ज कराई थी। सुधीर ओझा की शिकायत के आधार पर 5 धाराओं के तहत तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिस पर अब 27 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में चुनावी जंग के बीच तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और महागठबंधन के सामने आई इस मुश्किल का रिजल्ट क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।